मेरे अजीज दोस्तों, मैं खुद भी एक तालिब इल्म हूं जिसने ये सोच लिया कि मैं मुकम्मल तबीब हो गया या मैं पढ़ करके फारिग हो गया, तो उसका फिर से जो है वो उल्टी गिनती उसकी शुरू हो जाती। और हमको हमारे मरीज ही आकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बता जाते हैं। जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया था कि मुफ्ती साहब से पहले ताई ने बताया था कि ये जो है एक नेक काम है, बहुत नेक काम है, मगर ये बहुत ही ज्यादा नेक काम है। अगर आप किसी की तीमारदारी, किसी मरीज की आदत के लिए जाते हैं तो अल्लाह पाक उसके साथ में 70,000 फरिश्ते लगा देते हैं उसकी मगफरत की दुआ के लिए। और मरीज हमारे पास खुद आता है, मरीज हमारे पास खुद आता है और हम उससे सिर्फ ये सवाल करते हैं कि बताइए कैसे मिजाज है आपके, कैसे हैं आप। हमारा वहां से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो एक मरीज की बात होती है, हमारे यहां अल्लाह पाक दर्जनों मरीज भेजते हैं, कितने फरिश्ते हमारे लिए दुआओं के लिए, मगफरत के लिए दुआ करते हैं। और यूनानी में ऐसे ऐसे नुस्खे, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें कि उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने ये चीजें हमको दे करके गई तो आज यूनानी बाकी है, वरना यूनानी कब की खत्म हो गई होगी। इसके लिए कोशिश की गई है खत्म करने के लिए। आज भी जो है, अभी एक नया पैनल बन रहा था, वो नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए पैनल बन रहा है, उसमें एक वकील साहिबा है हुरुल ऐन। तो जब ये उन लोगों ने बात की कि भाई उसमें आयुर्वेदिक को रखा जाए और नारकोटिक के लिए जो है वो एलोपैथिक को रखा जाए, ये लोग जो है ये इसके पीछे मेहनत करें, तो उन्होंने कहा कि यूनानी को क्यों नहीं रखा जाए, यूनानी को क्यों छोड़ा जा रहा है, होम्योपैथिक को रखा गया, आयुर्वेदिक को रखा गया, एलोपैथिक को रखा गया, पंचकर्मा वगैरह सारी चीजों को, सिद्धा को रखा गया, मगर यूनानी को छोड़ रहे। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से इसके लिए मुआविन शख्सियात को खड़ा कर देता। और उन्होंने फिर उसके अंदर बात किया, मुझको भी कॉल किया कि आप आइए। मैं बहुत अदनास आदमी हूं, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा, बहुत 30 मार का नहीं बनता कि भाई मुझको कॉल किया, मगर मुझको अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से काम ले लेता है वो जर्रा में। इसलिए आप लोग बहुत हद तक कोशिश कीजिए कि इस काम को बहुत आगे लेके जाएं। हर इंसान यहां पे, हर एक बच्चा इकरार। आज आप सबके अंदर सालार साहब छुपे, आप उसको उजागर करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए अपने। हर एक बच्चा एक एक यूनिवर्सिटी बनाए। आज सबसे कम, सबसे सबसे अच्छी क्वांटिटी में अगर है तो मुसलमान। और आप लोग और हम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। और सबसे कम अगर कुछ कम यूनिवर्सिटियां हैं तो मुसलमानों की एकलती लोगों की यूनिवर्सिटियां और इदारे हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, इसके बहुत काम कर सकते हैं। और आगे हर कोई अपना एक एक यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करे। यूनिवर्सिटी नहीं बन पाएगी, कॉलेज तो बनेगा इंशाअल्लाह। और अपने तौर पे, और देखिए अल्लाह पाक ने हमको इंसान बनाया, इंसान से ही गलती और जो भी पॉजिटिव निगेटिव जो भी चीजें होती हैं वो इंसान से ही होती हैं। और अल्लाह पाक ने कहा है कि भाई अगर गलती होती है तो हमसे बार बार तौबा करो, माफी मांगो, हम माफ कर देंगे। उससे जल्दी माफ करने वाला कोई है ही नहीं। माँ बाप भी थोड़ा सा वक्त लेते हैं मगर अल्लाह पाक वक्त नहीं लेता, फौरन माफ कर देता है। हम लोग इसी तरह से अपने तौर पे अपनी कोशिशें करें कि हम लोग जितना हो सके यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए, फरोग देने के लिए कोशिश करें, बहुत कोशिश करें। आप सब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द अस्सलाम। शुक्रिया।